देखो भाई कितनी गंदगी निकल रही है इसमें। ये कई लोग इसको डायरेक्ट पेंट उड़ा देते, पेंट कैसे चिपकेगा, मट्टी के ऊपर ही पेंट उड़ जाता है, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे घर पर टाइम निकाल कर कर रहा हूँ। एक नंबर हुआ काम। तो भाई सब लोग इसको पेंट नहीं करते, मैं इसको भी पेंट करूंगा। ये है हब और इसकी पूरी जंग निकालने के बाद इस पर क्रोम पेंट करूंगा भाई। एक नंबर मज़ा आने वाला है वीडियो में, बने रहिए और वीडियो पूरी देखिए, कितना नॉलेज मिलेगा आपको। ओ भाई क्या फिनिशिंग आ रही है क्रोम की, वाह मज़ा आ जाएगा आज तो डिस्प्लेट में। यार क्या क्रोम बना दी, क्रोम तो नहीं लग रही है, सिल्वर सी लग रहा है। हाँ सिल्वर कलर लग रहा है ये, लेकिन क्रोम जैसा है, कैमरे में थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा। तो अंकुर कार टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज एक फिर नई वीडियो लाए अपनी होंडा में। इस पे जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी थी, अपन ने अलॉय व्हील इसमें डलवा लिए हैं। तो भाई अपन ने कम्युनिटी पोस्ट करी थी कि इसके कैलिपर और ये ड्रम अपन पेंट करें कौन से कलर का, तो आप लोग ने ज़्यादा बोला रेड करना। तो भाई रेड वाले अपन ने पेंट लिया है, तो बताइए रेड में कैसी लगेगी गाड़ी। और मज़े ये जाएगा क्योंकि इसके 5 स्पोक है ना, ये 5 स्पोक, तो काफ़ी गैप दिखता है यहाँ पे पीछे, ड्रम वगैरह मतलब पूरा खाली दिखता है, तो काफ़ी खिल के कलर आने वाला है आगे भी। और जिसमें ज़्यादा स्पो रहते हैं स्पोक ऐसे, उसमें कम दिखता है, तो ये अपन ने 5 स्पोक इसमें बहुत बढ़िया दिखेगा। तो आपको दिखा दूँगा, मैं कर चुका हूँ उस तरफ के, और इस तरफ की प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा एकदम प्रोफेशनली तरह से। कई लोग जो अलॉय व्हील डलवाते हैं वो टायर खुलवा के ऊपर ऊपर करवा देते हैं, पूरा पूरा लाल पीला हो जाता है वो। मैं आपको आपको करके दिखाऊंगा एकदम प्रोफेशनल, जो पेंटर भी क्या करेगा अपने आगे, ऐसा करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हो भाई, ये देखिए कितना बढ़िया खिल के आ रहा है ये, ठीक है, मज़े ही आ जाएगा, क्या एक नंबर लग रहा है। आगे वाला भी दिखा दूँ, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो आपको मैं चलो तो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं अपन इसका प्रोसेस शुरू करने। इससे पहले आपको पेंट दिखा दूं कौन सा पेंट हम यूज़ करेंगे, हमने पहले से ही ला के रखे। आओ भाई, तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई, एब्रो काफ़ी अच्छा ब्रांड है भाई, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। इससे भी कोई अच्छा ब्रांड है तो आप मुझे कमेंट में बताना, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। तो ये देखिए इसका कलर है ऑरेंज रेड, ठीक है, जो अभी मैंने करा जो आपको दिखाया वो ये वाला। तो ये मैं पहले ला चुका था, इस ये पूरा सील पे के अभी इसको मैंने खोला नहीं, इसका सुजुकी रेड लिखा है, इसको मैं देखता हूँ कैसा कलर आएगा मुझे, लेकिन यही अच्छा लग रहा है ऑरेंज रेड, ठीक है। उसके बाद है अपना ग्लॉस वाइट, पहले वाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ही खिल के कलर आएगा। आप डायरेक्ट रेड उड़ा दोगे तो वो गड़बड़ दिखेगा, बेकार दिखेगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। और ये है अपना क्रोम वाला है, ये देख सकते हो ब्राइट क्रोम, ठीक है। ये मैंने ऑफलाइन लिया है, ये मुझे पड़ा है 160 का, आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है। तो चलते भाई स्टार्ट करते अपनी प्रोसेस, खोला खाली कैसे का करना, पूरा साफ करके धो के फिर अपन इसको प्रॉपर तरीके से पेंट करेंगे। चले चलो, जेक हमने बिल्कुल सेंटर में लगाया है ताकि दोनों जो लेफ्ट पीछे आगे और पीछे वाला टायर है दोनों ऊपर हो जाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, और हमने टोयोटा इनोवा का जेक लगाया, ये बढ़िया जेक है, और ये हो गया अपना रिम फ्री। अब निकालते हैं, तो हम इसका कैलिपर बाहर निकालेंगे, इसलिए हम इसे खोल रहे हैं तो इसमें लगेगा 12 का रेंच। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कैलिपर है, इसमें दो नट रहते हैं 12-12 के, तो ये खुल रहा है। तो हम कैलिपर को अच्छे से बाहर निकाल के जो अपने ब्रेक पैड है वो भी निकल जाएंगे, और उसको अच्छे से घिस के धोएंगे, उसके बाद ही इसको अच्छे से सुखा के पेंट करेंगे। तो हम चाहते तो इस पर ऐसे भी कवर करके मतलब मास्किंग करके पेंट उड़ा देते, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता क्योंकि इस पर लगी भी काफ़ी सारी मिट्टी। तो अभी हमने इसे खोल लिया है, और ये देखिए इसका ये कैलिपर बाहर आ गया है, और हम जो बैरिकेड है ये ब्रैकेट जो मतलब यहाँ पे अपना ब्रेक पैड लगते हैं, तो इसको भी निकालेंगे। पहले ब्रेक पैड निकाल लेते हैं, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको भी निकालें। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने डिस्क प्लेट भी निकाल दी है, जो डिस्क है वो भी निकाल दी है, और ये इसका हब, यहाँ की अपना जो नट है ना चारों उसमें लगते हैं वो हब है। तो ये देखिए काफ़ी जंग लग रही, तो हम इसको रेगमाल से अच्छे तरीके से धो लेंगे, रेगमाल जो आता है ना अपना सैंड पेपर, और ये है अपना विम बार लिक्विड वाला, थोड़ा सा इसमें ये लगा के इसको अच्छे से घिसेंगे तो ये ना इसकी पूरी जंग निकल जाएगी, क्योंकि इस पर अच्छे से कलर करेंगे तो अच्छी पकड़ में जाएगी, बाद में इस पर जंग नहीं लगेगी। तो देख सकते हो आप कितनी बढ़िया तरीके से, मैं इसे पूरा घिस लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसा हो गया घिसने के बाद, सैंड करने के बाद, ठीक है। और
ये आप देख सकते हो, हमने इसको अच्छी तरह से सैंड पेपर से घिस दिया है। अब इसे सुखाना है इसकी ड्रायर की मदद से, ठीक है। ट्यूबलाइट भी लगा के रखी क्योंकि अच्छा फोकस आए इस पर, ठीक है। सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं क्योंकि इसको भी पेंट करेंगे। उसके बाद एक कैलीपर हमने ये लटका के रखा, इसको भी घिसेंगे अभी अच्छे से। तो ये अपना विम लिक्विड इसी स्पेशल इसी के लिए लाया था, और जब मैंने ब्रश में लगा लिया है वो, ये अपना कैलीपर है ना, इसमें काफ़ी मट्टी धूल रहती है और काफ़ी दिन से ये धुला भी नहीं है, जब से गाड़ी ली होगी, जब से पहली बार आज धुल रहा है। तो ये अच्छे से इस पर जो भी इस पर इतनी डर्टी ये जमी है ना, डर्टीनेस, ये सब निकल जाएगी बढ़िया। इसको मैं अभी है ना और उससे भी घुसूँगा, सैंड पेपर से भी। वो जो बर्तन मांजते हैं ना वो अलग कूचा आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा, ये वाला, हाँ इससे भी घिसूँगा मैं अभी, तब जाके ये चमकेगा। देखो भाई कितनी गंदगी निकल रही है इसमें, ये कई लोग इस पर डायरेक्ट पेंट उड़ा देते, पेंट कैसे चिपकेगा, मट्टी के ऊपर ही पेंट उड़ जाता है, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे घर पे टाइम निकाल कर करना, एक नंबर हुआ काम। तो भाई इसको धोके बढ़िया चमका दिया, एक नंबर, इससे ज्यादा साफ नहीं हो पा रहा ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इसके लिए तार वाला ब्रश होगा तब अच्छे साफ होगा। अभी तो पेंट करने लायक बढ़िया चमका दिया मैंने, ये देख सकते हैं। अब जब तक ये सूखेगा तब तक इसका ये कैरिये वाला कैलीपर, इसको पिन निकाल लेंगे, इसकी पूरी चार ये लगी है ना, निकाल के फिर इसको अच्छे से घिसेंगे। कौन सा वाली पिन? पेचकस का। चल तो ये भाई इसके वो देख कितना काला भूस हो रहा है, अभी ऐसा चमकेगा। इसकी पिन निकाल रही है अभी, पिन निकाल रही है, पिन निकाल रहा है इसको। देखिए फ्रेंड इतना चमक पाया, मट्टी तो निकाल ली थी, इसको ड्राई सुखा के ड्राई कर लेते फिर करेंगे इसको वाइट पेंट, फिर रेड, ठीक है, ओके। बस फिर छोड़, अभी ये डिस्प्ले को भी घिसेंगे, ठीक है। ये देखो कितनी जंग हो रही है, अभी देखते हैं इसको नया करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये डिस्क है, डिस्क हमने कितनी बढ़िया इस तरीके से इसको सैंड पेपर से घिस के इसको बढ़िया चमका दिया। ये देखिए ये सैंड पेपर से हमने इसको बढ़िया इसको मतलब चमका दिया है। अब इसे ड्राई कर लेंगे, मतलब सुखा लेंगे, और इसको बढ़िया वाइट वो जो अपने लायक क्रोम पेंट करेंगे। तो हमने सभी पार्टों को अच्छे से धो के ये सुखाने रख दिया है, और जो कैलीपर है उसको भी हम ड्रायर की मदद से सुखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हवा से भी सुखा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम इसमें हमने मास्किंग कर दी है, ठीक है। इसी तरह से अपन ये कैलीपर है, यहाँ यहाँ अपने को कलर नहीं मतलब आना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल टाइप दिखना चाहिए, उस टाइप से मास्किंग कर लेंगे। जैसे कि ये नट हो गया ये कैलीपर का, यहाँ मास्किंग कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। वो टाइम तो लगता है भाई, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, आप करोगे सुकून से करना पड़ेगा आपको। तो भाई अब हम इसे पेंट करेंगे अपना है वाइट स्प्रे, मतलब ग्लॉस वाइट है ये, देखिए अब इसको कर लेते हैं वाइट, फिर इसके ऊपर करेंगे रेड आधे घंटे बाद, ठीक है। तो करते हैं फटाफट। तो हमने इसे बढ़िया तरीके से स्प्रे कर दिया है वाइट, और इसे हम कम से कम 20 से 30 मिनट सूखने देंगे ताकि इस पर जो रेड कलर करें वो अच्छे से आ जाए। तो अब बारी है अपने हब को करने की, हब को कोई नहीं करता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी जंग थी, इस पर करूँगा मैं क्रोम कलर। ये देखिए आप, ये क्रोम रहता है ना जो चमकता है, ये वाला करूँगा इस पर। मैंने सोचा आप कर ही रहा हूँ तो इस पर भी कर ही दूँ उसको अच्छे से, इसलिए सेंड किया था मैंने। ये देखिए एब्रो का है ये, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यदि आपको चाहिए हो तो। तो देखिए कितना बढ़िया, मैंने मास्किंग वगैरह सब कर ली, अब देखिए कितना बढ़िया चमकेगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसको मैं सब जगह कर दूंगा। तो अब बारी है भाई जो अपनी डिस्क प्लेट है, मैं उसको भी कर दूंगा, इस पर भी कोई नहीं करता,
मेरे को ऐसा लग रहा था इस पे काफ़ी जंग लग रही है, तो मैं इस पे भी कर ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्रोम वाला जो पेंट है काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज इसको खोला है तो इस पे भी कर ही दूँ। तो मैं इस साइड भी कर देता हूँ बढ़िया तरीके से, ताकि अपने एलॉय व्हील पे भी जो सी पे लगता है एलॉय व्हील, उस पे भी जंग ना लगे और ना इस पे देखने में बुरा लगे। तो आपको देखिए बढ़िया मज़ा आ जाएगा, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। देखिए अभी मैं करूँगा ना एकदम नया नया की तरह हो जाएगा भाई ये। ये देखिए पहले मैं साइडों से कर लूँ। हाँ ये देखिए कितने बढ़िया लुक निकल के आ रहा है भाई, मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए ये एकदम नई की तरह हो जाएगी भाई। ये डिस्प्लेट है काफ़ी अच्छी दिख रही है कैमरे में, आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने रियर वाला ड्रम भी खोल लिया है और इस पर काफ़ी जंग लग रही है, तो इसको भी सैंड पेपर की मदद से अच्छे से घिस के इस पर भी पेंट करेंगे, पूरा ही पेंट करेंगे, इसको वाइट करेंगे, फिर उसको आधे घंटे बाद रेड करेंगे। इसको जंग को पहले घिस लेते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि आगे को जैसा दिखाया वैसे ही पीछे का होगा। तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रम को घिस लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया जंग वगैरह सब पूरा निकाल दिया है इसका। हमको पूरा ड्रम को पेंट करना है इसलिए पूरा घिस लिया है बढ़िया तरीके से, अच्छे से पूरी जंग निकाल दी। तो देखिए भाई बॉस करने के बाद क्या लुक आया निकल के, अब इस पर पेंट कर सकते हैं, पेंट भी बढ़िया से चिपकेगा इस पर और लुक भी बढ़िया, दिखने में भी अच्छा बहुत बढ़िया दिखेगा ये। जब तक हमने पिछला ड्रम धो दिया है, मतलब वॉश करके अच्छा सैंड पेपर से घिस दिया गीला करके, तब तक यहाँ का जो और रेड बचा है वो उड़ा देते हैं, जब तक वो सूख जाएगा फिर वहाँ का उड़ाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने अच्छे से मास्किंग कर दी है, अब बारी है इस पर रेड कलर, मतलब रेड कलर करने की, जो कि हम ऑरेंज रेड लाए हैं, ठीक है। जो रेड सुजुकी वाला वो हमने नहीं करा, वो रखा हुआ है अभी तक। तो देखिए भाई फिनिशिंग देखिए, देखिए भाई अपना जो कैलिपर है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, और हम इसे इसी की मदद से ऐसा लटका देंगे अंदर, जो सॉकर है अपने उस पर कहीं लटका देंगे तो ये अच्छे से सूखता रहेगा, ठीक है। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट सूखने देंगे। भाई अब बारी है रियर के ड्रम को करने की, इससे पहले कि हम जो नट हैं उस पर मतलब मास्किंग टेप लगा दें ताकि उस पर ना आए, ठीक है, ताकि एकदम प्रोफेशनल टाइप दिखे कि हाँ भाई कहीं प्रोफेशनल आदमी से कराया, तो टेप लगाना ज़रूरी है, आप ऐसे ही उड़ा दोगे तो नटों पे टेप लग जाएगा। तो भाई देखिए अब पेंट कर दिया हमने स्टार्ट, और इसको घुमा घुमा के करेंगे ना हाथ से, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप घुमाओगे नहीं ना तो फिनिशिंग नहीं आएगी इस पे, मतलब जो बूंदे हैं ज़्यादा एक कहीं कहीं जगह ज़्यादा हो जाएगा तो गिरने लगेगा, घुमा घुमा के करेंगे तो एक नंबर फिनिशिंग आएगी। तो भाई अगला स्टेप है इसको रेड करने का, देखिए हमने काफ़ी अच्छे से सुखाने के बाद इस पर रेड कलर अप्लाई किया है, और देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है खुल के, आपको आगे दिखाता हूँ। तो भाई घुमा मैं इसलिए रहा हूँ इसको ड्रम, ताकि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आए, ठीक है। आप एक जगह उसको रख रख के करोगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो घुमा घुमा के ही करोगे ना तो एक नंबर फिनिशिंग आने वाली है। और भाई वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो ना, आपको नॉलेज मिल रहा हो मतलब इससे मेरी वीडियो से, तो आप भाई चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, एक प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना, जो पुराने सब्सक्राइबर है मेरे भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना, वो जो नए हैं भाई वो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। काफ़ी सारी ऐसी DIY वीडियो मैंने बनाई है अपनी यूट्यूब चैनल पर, होंडा मेज, होंडा स्टेनर और अपनी टाटा इंडिगो CS, प्लीज़ भाई एक लाइक कर दीजिएगा। नोटिस बेटी इसमें बड़ा ड्रम और आगे वाला कैलिपर दोनों कंप्लीट हो गए, और मैंने है ना इसे फिटिंग भी कर दी, तो देख सकते हो आप कितना बढ़िया लुक आ रहा है निकल के इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हो एकदम खिल के कलर आ रहा है, और जो मैंने कलर किया ना ये वो वाला है ऑरेंज रेड, तो ये अभी धूप में थोड़ा उधर ऑरेंज दिखेगा और जैसे अंधेरा हुआ तो रेड दिखेगा, तो कितना बढ़िया लुक आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और आगे का भी दिखा दूं भाई, पूरा दिन लग गया था इसको चारों को करने में दोनों तरफ के, मज़ा आ गया गाड़ी में, एक नंबर लग रही कि नहीं बताओ राहुल भाई, तुम्हें ले थोड़ा तेज बोलो। आप देख सकते हैं हमारे भाई ने किए, अंकुर भाई ने, कितना मस्त लग रहा है ये देखिए। हाँ चारों कर दिए भाई, एक नंबर लुक आ रहा है, यहाँ का भी देख सकते हैं आप लोग। तो आपकी कोई से भी गाड़ी हो आप खुद कर सकते हो, इसमें दो बोतल लगेगी ओनली स्प्रे की, एक वाइट की एक रेड की, तो मेरी दो ही लगी, बड़ी गाड़ी जैसे क्रेटा रेटा उसमें ज़्यादा लगी क्योंकि उनका डिस्प्रे और ड्रम बड़ा रहता है, उसमें दो दो लग सकती है।
तो भाई गाड़ी देख सकते हो आप, कितना बढ़िया निकल के लुक आ रहा है भाई, एक नंबर मज़ा आ गया भाई गाड़ी में, क्या लुक आ रहा है। और अलॉय व्हील भी क्या बढ़िया लग रहे हैं, थोड़े थोड़े बाहर हैं ना गाड़ी से, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भाई भाई की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़।